हाय गाइस, दिस इज मोहित यादव एंड वेलकम बैक टू अकाउंट्स एक्सपर्ट। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के कुछ ऐसे ऑप्शंस के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही हेल्पफुल हैं। चाहे आपको कोई रिज्यूमे बनाना हो, कोई रिपोर्ट बनानी हो, या कोई भी लेटर बनाना हो, या किसी भी टाइप की सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन करनी हो, इन ऑप्शन को यूज किए बिना कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से इतने इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। सी हम अपने पीसी की होम स्क्रीन पे आ चुके हैं, जहाँ से आपको सीधा वर्ड सॉफ्टवेयर वो ओपन कर लेना है। और यहाँ पे मैं वर्ड 2016 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका होम टैब के अंदर आता है फॉन्ट पैनल। इस पैनल के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक रैंडमली पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं, जिससे इस पर हम इन ऑप्शन को यूज़ करके देख सकें। तो पैराग्राफ कैसे इंसर्ट करवाएंगे, तो आप बाहर से कहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट वर्ड के अंदर भी इंसर्ट करवा सकते हैं। वो कैसे, आपको इज इक्वल टू प्रेस करना है, RAND टाइप करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, एंड यहाँ पे पैराग्राफ नंबर लिख देना है, कितने नंबर ऑफ पैराग्राफ आपको इंसर्ट करवाने हैं। मान लो 2 करवाने हैं, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 पैराग्राफ आपके आ चुके हैं। ठीक है, इन पैराग्राफ पे इस कंटेंट के ऊपर हम अपने ऑप्शंस को यूज़ करके देखते हैं। आपको सेलेक्ट करना है इसको। फर्स्ट ऑप्शन है आपका फॉन्ट, ओनली फॉन्ट हम इसको बोलेंगे, आप इसको फॉन्ट स्टाइल भी बोल सकते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है Ctrl+Shift+F। ठीक है, यहाँ से आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ से आपको जो फॉन्ट है उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप ये देखिए, इसे मान लो ये देखिए काफ़ी सारे स्टाइल्स है इसके अंदर। आप नीचे इसको ड्रैग करोगे, देखो यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हो आप, जिसमें आपको अबोव 100 यहाँ पे स्टाइल्स मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जिस पे भी क्लिक, मान लो हमने यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो आपको जो स्टाइल है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जो अपना फॉन्ट है उसको स्टाइल चेंज कर सकते हैं इजीली। आपको दोबारा से सेम करनी हो जैसे आपने इंसर्ट करवानी थी, लाइक दोबारा से वैसे ही करनी है आपको, तो यहाँ से ऑप्शन आता है आपका क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक कर देंगे तो दोबारा के दोबारा वैसे ही जो अपने फॉर्मेट लगाया होगा ना इस पर, तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है फॉन्ट साइज, इसे हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है Ctrl+Shift+P। जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो इस पर देखो काफ़ी सारे लाइक साइज मिल जाते हैं आपको। मान लो यहाँ पे अभी डिफॉल्ट साइज का 10 है, आपको 18 करना है तो 18 पे क्लिक कर दो तो साइज आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपको 72 करना है, 72 पे क्लिक कर दो तो आपका 72 हो जाएगा। अब आपको गाइज मान लो यहाँ पे जैसे मान लो 13 नहीं दे रखा है, यहाँ पे 15 नहीं दे रखा है, तो आपको मान लो 15 करना है इसको, तो 15 कैसे करोगे आप, तो यहाँ पे तो ऑप्शन दे नहीं रखा तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे आना है, क्लिक करना है और इसको बैकस्पेस मतलब इसको रिमूव कर देना है और यहाँ पे लिखना है आपको 15 और एंटर प्रेस कर देना है, तो आपको जो साइज है वो 15 हो जाएगा। आपको 100 करना है तो यहाँ पे 100 टाइप कर देंगे, एंटर कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, आप जितना भी करना चाहते हैं यहाँ पे टाइप करें उतना ही आपका जो साइज है वो यहाँ पे हो जाएगा। हमें मान लो 10 करना है दोबारा से, 10 पे करके एंटर कर देंगे तो ये दोबारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंक्रीज फॉन्ट साइज एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज। ठीक है, ये देखो ये आपका डिक्रीज होता है और ये आपका इंक्रीज होता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है इंक्रीज की Ctrl+Greater Than। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो स्टेप बाय स्टेप टेक्स्ट का जो साइज है वो इंक्रीज हो गया। देखो यहाँ से तो हम कितना भी कर सकते हैं, जैसे मान लो 11 है, 12 है, तो लाइक 9, 10 है, तो 10 से हम सीधा 72 भी कर सकते हैं, बट यहाँ से हम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ से हमारा स्टेप बाय स्टेप होगा। जैसे 10 है, फिर 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 14 होगा, फिर 16 होगा। ठीक है, मान लो 10 है, हम इस पर क्लिक किया 11 हो गया, फिर से क्लिक किया 12 हो गया, 14 हो गया, 16, 18, 20। ठीक है, ऐसे ही आपका इंक्रीज होते जाएगा स्टेप बाय स्टेप। आपको दोबारा से कम करना है तो डिक्रीज पे क्लिक कर दो, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है Ctrl+Less Than। ये देखो ऐसे आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हो। सो गाइज, ये थे आपके फर्स्ट चारों ऑप्शंस, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज। उसके बाद आता है आपका चेंज केस। चेंज केस में क्या होता है गाइज, जैसे कि मान लो आपका जो कंटेंट है वो भी मान लो लोअर केस में है, आपको अपर केस में करना है, आपको सेंटेंस केस में करना है, इसको जब आप ड्रॉप डाउन करते हो तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस मिलते हैं आपको, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टोगल केस। मैं सबसे पहले आपको इन 5ों के मतलब बता देता हूँ। सेंटेंस केस में तो क्या होता है, जो भी आपके लाइक कंटेंट होगा, जो भी आपका टेक्स्ट होगा, उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो बस कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे, मतलब जो फर्स्ट वाला है वो अपर केस में रहेगा, बाकी सारे लोअर केस में रहेंगे। फिर लोअर केस में सारे ही छोटे होंगे, अपर केस में सारे ही बड़े होंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर वर्ड का फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट जो वर्ड होगा वो क्या होगा,
कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे हर वर्ड का। सेंटेंस केस में देखो, सेंटेंस केस में कैपिटलाइज ईच वर्ड में फर्क है। सेंटेंस केस में ओनली फर्स्ट बड़ा होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर वर्ड का फर्स्ट बड़ा होता है, ठीक है। टॉगल केस में क्या होगा, इस अपोजिट हो जाएगा, जैसे लोअर केस तो अपर केस हो जाएगा, अपर होगा तो लोअर हो जाएगा। हम इनको एक एक यूज करके देखते हैं। मान लो इसको हम लोअर केस कर लेते हैं पहले, तो क्या होगा, ये सारे के सारे स्मॉल हो गए। अब हम इसको कंट्रोल एक ही हेल्प से सारे को सेलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ पे क्लिक करके हम करते हैं सेंटेंस केस। सेंटेंस केस जैसे हमने क्लिक किया, वैसे आपका फर्स्ट क्या हो गया, कैपिटल हो गया, बाकी सारे आपके स्मॉल हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगर लोअर केस करेंगे तो सारे ही छोटे हो जाएंगे, जैसे अपर केस पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे ही कैपिटल में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है, तो देखो ध्यान दीजिएगा, कैपिटलाइज जिसमें मैं इसको क्लिक किया, वैसे देखो हर वर्ड का, देखो जैसे ये वीडियो वर्ड है, तो इसका जो वी है फर्स्ट जो लेटर है वो क्या है, बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं। इसका पी बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं। इसका ये तो एक ही है तो इसलिए पहला इसका बड़ा है, इसका पी बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं, ठीक है गाइस। ये होता है आपका सेंटेंस केस कैपिटलाइज ईच वर्ड में फर्क। उसके बाद मान लो टोकल केस समझते हैं, जैसे मैंने लोअर केस पे क्लिक किया तो सारे क्या हो गए यहाँ पे छोटे हैं। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे ना वैसे सारे बड़े हो जाएंगे, जैसे हमने इस पर क्लिक किया ना वैसे क्या, टोकल केस पे क्लिक किया हमने तो देखो सारे क्या हो गए, बड़े हो गए। फिर से क्लिक किया टोकल केस पे, फिर से छोटे हो गए, देन फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से बड़े हो जाएंगे, ठीक है गाइज। ये फर्क है आपका टोगल केस के अंदर, ठीक है। ये आपके पाँचों फॉर्म है लाइक केस को चेंज करने के लिए, जैसे छोटा है बड़े करने के लिए, बड़ा है छोटा करने के लिए, है ना, सेंटेंस केस में करने के लिए। फिर मान लो आपने लाइक इसका साइज वाइज बढ़ाया है, इसका जो मतलब चेंज किया है आपने, तो जैसे मान लो इसका साइज बढ़ा दिया आपने, तो मैंने बता ही दिया आपको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से क्या होता है, क्लिक करेंगे तो अपने आप जो फॉर्मेट था वो अपने आप क्लियर हो जाएगा इसका, ठीक है। जिसने आप साइज बढ़ाया होगा, अपने कलर वगैरह लगाया होगा, तो वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कलर वगैरह कैसे लगाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका सबसे पहले बोल्ड, ये सारे ऊपर वाली लाइन वाले मैंने सारे करवा दिए हैं आपको। इसके बाद ये आता है इधर बोल्ड इटालिक एंड अंडरलाइन। देखो हमने इसको सिलेक्ट किया और जैसे हम इसे बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो देखो जो टेक्स्ट है कुछ ऐसा हो जाएगा, उसकी थिकनेस थोड़ी, हर वर्ड की जो थिकनेस होगी वो थोड़ी लाइक इंक्रीज हो जाएगी और जो टेक्स्ट है वो आपका वो पूरा ब्लैक हो जाएगा। ये होता है बोल्ड से, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कंट्रोल प्लस बी। इसको हटाना है आपको तो यहाँ पे कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस बी प्रेस कर सकते हैं, तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। दोबारा से लगाना है, दोबारा से प्रेस कर दो कंट्रोल बी, दोबारा से लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इटालिक। इटालिक में क्या होता है गाइस, आपका जो शेप है वो बदल जाएगा थोड़ा सा टेक्स्ट का। जैसे हमने यहाँ पे इटालिक पे क्लिक किया तो देखो ये आपका इटालिक हो गया। अब देखो आपको कैसे पता चलेगा जो इटालिक ऑप्शन है वो अप्लाई है कि नहीं है, जैसे इस पे क्लिक कर दो कहीं पे भी तो यहाँ पे देखो ये हाईलाइट हो गया, हाईलाइट हो गया मतलब ये अप्लाई है, ठीक है। अब जैसे इस पे क्लिक करके हमने इसको हटाना है तो दोबारा से इस पे क्लिक कर देंगे तो देखो दोबारा का दोबारा वैसा हो गया। अब पता करना है या नहीं अप्लाई तो देख सकते हैं, आपको देखने से पता चल रहा है, अगर आपको देखने से पता नहीं चल रहा है, कन्फ्यूज हो रहे हो तो यहाँ से भी देख सकते हो। अगर होगा तो हाईलाइट हुआ होगा, अगर नहीं होगा तो हाईलाइट नहीं हो रखा होगा, ओके। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन में क्या होता है गाइज, आपके हर वर्ड के नीचे, हर लाइन के नीचे आपकी अंडरलाइन लग जाएगी। कैसे, जैसे मान लो इसको हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से अंडरलाइन पे बस क्लिक कर दिया, जैसे क्लिक करेंगे वैसे आपकी हर लाइन के नीचे क्या आ गई, एक अंडरलाइन आ गई, ठीक है। ऐसे हम अंडरलाइन लगा सकते हैं इस ऑप्शन की। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, कंट्रोल प्लस यू, बोल्ड की कंट्रोल प्लस बी, इटालिक की कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन की कंट्रोल प्लस यू। अब मान लो आपको जो अंडरलाइन है उसका शेप चेंज करना है, डबल अंडरलाइन दिखानी है, अंडरलाइन का कलर चेंज करना है, देन आप कैसे कर सकते हैं, देखो ये भी बता देता हूँ मैं आपको। इसको आपने सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको एक ड्रॉप डाउन करोगे नीचे की तरफ तो यहाँ पे देखो आपको काफ़ी सारे स्टाइल्स मिल जाएंगी। सिंगल अंडरलाइन लगाना है, डबल लगाना है तो डबल हो जाएंगे, क्लिक करो तो आपकी डबल हो गई, ठीक है। आपको जिगजैग लगाना है तो जिगजैग भी लगा सकते हैं, ये आपकी यहाँ पे ये भी मिल जाती है, डॉट डैश, डॉट डॉट डैश अंडरलाइन, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइक डॉट डैश अंडरलाइन भी मिल जाएंगे, आपको ये लगाना है तो आप ये भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं आप अप्लाई हो गई है। जिगजैग लगाना, जिगजैग भी लगा सकते हैं, ठीक है। सिंगल ही रखना है आपको तो सिंगल पे क्लिक कर सकते हैं, सिंगल लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो लाइक स्टाइल या शेप चेंज करना है। देन आपको कलर चेंज करना है, ड्रॉप डाउन करिए, यहाँ पे आता है ऑप्शन आपका मोर, लाइक आपको इन अंडरलाइन में पसंद नहीं आ रहा तो आप लाइक मोर में भी जा सकते हैं, मोर पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे अंडरलाइन स्टाइल पे आएंगे, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अंडरलाइन यहाँ पे और भी मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद कलर वगैरह चेंज करना है, अंडरलाइन कलर में जाइए, यहाँ पे देखो अभी ब्लैक है तो ब्लैक दिखा रहा है, आपको रेड करना है, रेड पे क्लिक कर दो तो देखो आपकी रेड हो जाएगी। उसके बाद आपको मान लो येलो करना है तो यहाँ से आके येलो कर दीजिए तो ये येलो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन को लाइक अंडरलाइन को आपको हटाना है तो सिंपल सी है, शॉर्ट फॉर्म दबाइए या इस पर
दोबारा से क्लिक कर दीजिए तो ये आपका हट जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये होता है आपका अंडरलाइन ऑप्शन। इसके बाद आता है आपका ऑप्शन स्ट्राइक थ्रू। गाइज इसका मतलब क्या होता है, क्रॉस समथिंग आउट By drawing a line through it। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई वर्ड आपने सेंटेंस या कोई भी वर्ड आपने लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको इसको गलत दिखाना है, मतलब सामने वाला जब कोई इसको पढ़े तो उसको लगे गलत है, तो आपको इसको जैसे कोई भी चीज़ गलत हो जाती है तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम उसको दिखाते हैं, बीच में एक लाइन तो लगा देते हैं ना, ऐसे इसमें लाइन लग जाएगी। इसको क्लिक करके हमने स्ट्राइक थ्रू पे ऑप्शन बस क्लिक किया तो आप देख सकते हैं बीच के अंदर क्या लग गई है, किसकी लाइन लग गई है। तो ये ऑप्शन होता है, लाइक हमें कोई चीज़ गलत दिखाने तो उसको हम दिखा सकते हैं इसलिए, ठीक है। इसको हटाना है, आपको रिमूव करना है, दोबारा से क्लिक करिए और स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन को दोबारा से क्लिक कर दीजिए तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है ऑप्शन, जैसे मान लो सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट आता है एंड यहाँ से आपका सुपरस्क्रिप्ट आता है, ठीक है। तो ये गाइस होते क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आप बहुत सी चीज़ें होती हैं जो किसी सेंटेंस के नीचे लिखते हैं, ठीक है, या किसी सेंटेंस के ऊपर लिखते हैं। मान लो कोई चीज़ आपको पावर में लिखनी है, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपको 4 की पावर 2 दिखानी है, तो कैसे दिखाएंगे, अगर आप सीधा कीबोर्ड में 4 और 2 प्रेस करेंगे तो देखो पहले 4 लिख रहा है फिर 2 लिख रहा है, तो इसको बिल्कुल साइड में रहा, तो दिख नहीं, हमें लग नहीं रहा है पावर की फॉर्म में, हमें पावर की फॉर्म में लगाना है तो क्या करेंगे, हम सबस्क्रिप्ट करेंगे। अगर वर्ड के नीचे लिखना है, जैसे हम H2SO4 लिखते हैं, तो H के बाद 2 लिखते हैं वो नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 4 की पावर आपको 2 दिखाना है, तो यहाँ से आके हम सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से अब हम 2 लिखेंगे, अब देख सकते हैं अब लग रहा है 4 की पावर 2। फिर दोबारा से हमें लाइक 5 की पावर 2 लिखना है, तो दोबारा से इसको दोबारा से अनचेक कर देंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर इसको क्लिक कर देंगे एंड फिर 2 लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम आप सबस्क्रिप्ट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, हमें पावर की फॉर्म में कोई वर्ड लिखना हो, देन हमें लाइक H2SO4H2 नीचे लिखना है तो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो इसको हमने अनचेक किया यहाँ से, अब हमने H लिखा, ठीक, अब हमें 2 नीचे लिखना है तो क्या करेंगे, नीचे के लिए सबस्क्रिप्ट, ये आपका सुपरस्क्रिप्ट होता है, सॉरी मैंने आपको ये पीछे गलत बोल दिया, यहाँ पे आपका सुपरस्क्रिप्ट आएगा, यहाँ पे आपका सबस्क्रिप्ट नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब अगर आपको नीचे लिखना है तो सबस्क्रिप्ट आएगा, ऊपर लिखना है तो सुपरस्क्रिप्ट आएगा, जैसे इसको क्लिक करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट आ रहा है और यहाँ पे आपका सबस्क्रिप्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे आपको नीचे लिखना है तो इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे, अब देख सकते हैं अब जो लिखा जा रहा है वो नीचे लिखा जा रहा है, ठीक है गाइस। तो ये होता है आपका सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट वेज के अंदर अपना लाइक टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, शेडो लगा सकते हैं। जैसे मान लो इसको हमने सेलेक्ट किया, इस ऑप्शन पे हम नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे जिस स्टाइल पे आप होल्ड करोगे वैसे स्टाइल आपको बैकग्राउंड में होती हुई दिख जाएगी। ये कुछ पहले से बनाए बनाए यहाँ पे फॉर्मेट दे रखे हैं ताकि आप जिस पे भी क्लिक करो वैसा स्टाइल आपका अप्लाई हो जाए। ये देखो आप आउटलाइन पे क्लिक करोगे, अगर आपको ओनली आउटलाइन का कलर चेंज करना है देखो ओनली आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हो आप। यहाँ पे वेट ज़्यादा होगा, जैसे वेट को हमने कम कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो आपका ये वेट कम दिखाएगा, ठीक है, जो लाइन का वेट है वो आपका कम दिखाएगा, देखो, ठीक है। शेडो लगाने हैं आपको टेक्स्ट के अंदर, देखो बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखो आपकी शेडो लग रही है। रिफ्लेक्शन लगाना है नीचे की तरफ, तो देखो वर्ड के नीचे लाइन के नीचे आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो ऐसा रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं। आपको ग्लोनेस दिखानी है तो आप टेक्स्ट के अंदर ग्लोनेस भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इनमें से सेट नहीं करना, आपको लाइक ऑटोमेटिकली चाहिए तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, आपके फॉर्मेटिंग में से आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिस पर क्लिक करेंगे वैसे आपका टेक्स्ट आपका हो जाएगा। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं इसके अंदर रिफ्लेक्शन भी आ रहा है और आपका शेडो भी आ रहा है, ठीक है। सो गाइस ऐसे आप टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सारे फॉर्मेट्स को हटाना है एक साथ, तो मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि इस ऑप्शन से आप हटा सकते हैं, कंट्रोल ए पे क्लिक करेंगे और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो आपके सारे के जो भी फॉर्मेट लगे तो सारे के सारे रिमूव हो गए, ठीक है। उसके बाद गाइज आता है आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसमें क्या होता है, आप टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर लगा सकते हैं। देखो दो ऑप्शन बचे हैं गाइज, इन दोनों ऑप्शन का यूज़ ही है कलर लगाना। एक से हम टेक्स्ट के पीछे कलर लगा सकते हैं, एक से हम टेक्स्ट के ऊपर कलर लगा सकते हैं। मान लो आपको पीछे लगाना है तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, इस ऑप्शन को नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे तो ये देखो, जैसे मान लो आपको ग्रीन करना है, ग्रीन पे क्लिक कर देंगे आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, आपके बैकग्राउंड में कलर हो गया। आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कर सकते हैं, ये देखो जैसे मान लो ये करना है आपको, तो क्लिक करेंगे तो ये आपका लग जाएगा, ठीक है गाइज।
अब गाइस होता क्या है ना कि इस कलर को हम अप्लाई तो कर देते हैं बट ये रिमूव नहीं होता है हमसे। लाइक बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज होती है, डाउट्स होते हैं कि सर ये रिमूव कैसे होगा। तो जब आप इसको सेलेक्ट करके अगर इसको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करोगे ना तो ये रिमूव नहीं होगा। इसके लिए आपको इसी ऑप्शन के अंदर जाना है, इसको ड्रॉप करना है और यहाँ से ऑप्शन आता है नो कलर, इस पर जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये जो हाईलाइट कलर है ये आपका क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से रिमूव नहीं होगा, आपको इसी ऑप्शन के अंदर आके नो कलर ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा, देन ये आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फॉन्ट कलर। इस ऑप्शन की हेल्प से आप फॉन्ट के ऊपर कलर लगा सकते हैं। फॉन्ट क्या यानी कि देखो गाइस यहाँ पे फॉन्ट में कन्फ्यूजन, लाइक कन्फ्यूज मत होइएगा कि फॉन्ट क्या है यहाँ पे। हम लाइक जो टेक्स्ट होता है ना, मतलब जो आपका सामने लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, ये सारा फॉन्ट ही है। हम इसको टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, हम इसको कंटेंट भी बोल सकते हैं, हम इसको फॉन्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। अब जैसे उसको हमने सेलेक्ट किया, इसके ऊपर आपको कलर लगाना है, तो देखो मान लो रेड लगाना है हमें, तो इसके ऊपर लग रहा है। अब बैकग्राउंड में लग रहा है, अब ऊपर लग रहा है क्योंकि हम दूसरे ऑप्शन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपको और दूसरा लगाना है यहाँ से, तो देखो लाइक ग्रीन लगाना है तो ग्रीन भी लगा सकते हैं, लाइट ग्रीन लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इन कलर्स में पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप मोर कलर्स में भी जा सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लो आपको ये कलर चाहिए, कस्टम के अंदर जा सकते हैं, लाइक कोई भी कलर हम अपना बना सकते हैं। यहाँ पे RGB की वैल्यू भी डाल सकते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू की वैल्यू डाल देंगे तो हमारा कलर यहाँ पे बन जाएगा। जैसे मान लो ये वाला हमें चाहिए, क्लिक किया हमने और ओके पे क्लिक कर दिया, तो ऐसा ही क्लिक लाइक कलर आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है गाइस, हम इस ऑप्शन का लाइक इस कलर को हम क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से हटा सकते हैं। ठीक है, इसको हमें रिमूव करना है तो सिलेक्ट करेंगे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस ये थे आपके फॉन्ट पैनल के सारे ऑप्शंस। मैंने आपको एक एक ऑप्शन बिल्कुल डिटेल में बताए हैं, होप करता हूँ आपको सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको लाइक कोई भी डाउट होता है, लाइक समझ में नहीं आते हैं, तो आप या तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड जरूर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।